क्या है श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख का रहस्य। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान इस पांचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से छठवां रत्न शंख था। अपने गुरु के पुत्र पुनर्दत्त को एक बार एक दैत्य उठा ले गया। उसी गुरु पुत्र को लेने के लिए वे दैत्य नगरी गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया था। उन्होंने दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रखा और फिर जब उन्हें पता चला कि उनका गुरुपुत्र तो यमपुरी चला गया है तो वे भी यमपुरी चले गए। वहां यमदूतों ने उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया। तब उन्होंने शंख का नाद किया जिसके चलते यमलोक हिलने लगा। फिर यमराज ने खुद आकर श्री कृष्ण को उनके गुरु के पुत्र की आत्मा को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम और अपने गुरुपुत्र के साथ पुनः धरती पर लौट आए और उन्होंने गुरुपुत्र के साथ ही पांचजन्य शंख को भी गुरु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। गुरु ने पांचजन्य शंख को पुनः श्री कृष्ण को देते हुए कहा कि यह तुम्हारी लिए ही है। तब गुरु की आज्ञा से उन्होंने इस शंख का नाद कर पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ किया।